डायरेक्टली कमिंग टू वर्ड्स द क्वेश्चन, ये कौन सा लेस हम लोग क्या करें, एफ ए का रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, ये इलस्ट्रेशन नंबर 19 है। हम लोग ने लास्ट क्वेश्चन मैंने बहुत पहले डाला था वीडियो, तीन क्वेश्चन हम लोग इस लेसन के ऊपर सॉल्व कर चुके। सिमिलर क्वेश्चन मैंने ये टाइम भी लिया है, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ, मैंने पहले से ये क्वेश्चन सॉल्व करके रखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या दिया हम लोग को, हम लोग को यहाँ पे दिया है लोग ने 2008% रिडीमेबल प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ रुपीज़ 100 ईच, 2 लाख रुपीज़, इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 लाख रुपीज़, सिक्योरिटी प्रीमियम 35,000। सिक्योरिटी प्रीमियम अ टाइप ऑफ हमारा क्या होता है, प्रॉफिट वाला अकाउंट होता है, जहाँ पे अगर हम लोग को शेयर्स में से जो प्रॉफिट होता है वो हम लोग यहाँ पे लिखते हैं। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, सन्डरी क्रेडिटर्स, फिक्स्ड एसेट, बैंक, इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू था 1,90,000, यहाँ पे 1,50,000 लिखा हुआ है। आगे क्या बोला है, ऑन द अबाउट डेट द डायरेक्टर्स ऑफ द कंपनी टुक फॉलोइंग स्टेप्स टू रिडीम प्रेफरेंस शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ 5%। जो तो प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग का था, हम लोग यहाँ पे पर्टिकुलर तीन जो हमारे फॉर्मूलाज लिखते हैं वो तीन फॉर्मूलाज मैं आपको यहाँ पे दिखाती हूँ। हियर यू कैन सी, यहाँ पे आप देख सकते हो, फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल्स टू प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, रिडम्पशन ऑन प्रीमियम ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स इक्वल्स टू शेयर प्रीमियम प्लस डिविजिबल प्रॉफिट, एंड थर्ड वन इज प्रोसीड्स ऑफ फ्रेश इशू इज इक्वल टू फेस वैल्यू ऑफ शेयर प्लस प्रीमियम इज इक्वल टू अमाउंट रिसीव। हम लोग को फेस वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स कितना बोला, 2 लाख बोला था, ऑफ रुपीज़ 100 ईच, वो मैंने यहाँ पे लिख दिया। इसके ऊपर लोग ने बोला 5% हम लोग क्या चार्ज करना प्रीमियम, तो मैंने यहाँ पे प्रीमियम लिख दिया। पहला प्रीमियम जो है वो हम लोग डिविजिबल प्रॉफिट में लिखते 10,000, कहाँ से इसको लेते हम लोग, प्रॉफिट एंड लॉस में से लेते और इसको रिटर्न ऑफ करते। ठीक है, इसकी एंट्री पहले हम लोग ये तीनों पहले हम लोग ये सॉल्व करेंगे, उसके बाद हम लोग जनरल एंट्रीज पे जाएंगे। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद आगे क्वेश्चंस क्या बोला हुआ है, द कंपनी इशूड 4,000 इक्विटी शेयर्स एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ शेयर्स रुपीज़ 10 एट अ प्रीमियम ऑफ रुपीज़ 2 पर शेयर फॉर द पर्पज ऑफ रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स। 4,000 मतलब 40,000 टोटल अमाउंट है, 2 रुपीज़ प्रीमियम चार्ज किया है, तो मतलब हम लोग को यहाँ पे मिल गया कि हम लोग को कितना फ्रेश इशू करने का है। तो फ्रेश इशू कितना है, 40,000 का है, 2 रुपीज़ प्रीमियम 8,000, टोटल अमाउंट रिसीव कितना है, 48,000। ओके, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा फास्ट बोल रही हूँ या फास्ट जा रही हूँ, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा स्लो मोशन पे करके देख सकते हो। ओके, अदरवाइज मैं थोड़ा स्लो लेती हूँ। फिर नेक्स्ट क्या बोला हम लोग को, बोला इन्वेस्टमेंट वर सोल्ड एट मार्केट प्राइस। जो हम लोग के पास इन्वेस्टमेंट है यहाँ पे, ये मार्केट प्राइस, मार्केट वैल्यू क्या था, 1,90,000, तो यहाँ पे हम लोग को 40,000 का क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ है। तो हम लोग इसको प्रॉफिट एंड लॉस में ही लिखेंगे, इसको हम लोग सिक्योरिटी प्रीमियम में नहीं लिखेंगे, बिकॉज सिक्योरिटी प्रीमियम जैसे मैंने आपको बोला था ये सिर्फ इक्विटी और जो हम लोग शेयर से डील करते हैं उसके लिए होता है। नेक्स्ट क्या है, All payments were made to preference shares holder except those holding 100 share would cannot be traced. Total shares कितने थे preference shares के, 2,000 थे, 2,000 में से 100 गायब हो चुके हैं, मतलब 100 जिनके पास shares थे वो हमको मिले ही नहीं, तो उनसे हम लोग ने पैसे लिए नहीं, shares मतलब shares लिए नहीं, पैसे दिए नहीं, तो कितना हुआ, 1,900 हुआ, 2,000 में से 1,900 अभी हम लोग को जिनको सिर्फ अमाउंट पे करने का। ओके, क्वेश्चन आई होप समझ में आया है। हम लोग क्या बोला, यहाँ पे जनरल एंट्रीज पास करनी एंड बैलेंस शीट बनाना है, तो पहले आता है क्या हम लोग पहले पास करेंगे जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ प्रकाश लिमिटेड। यहाँ पे जनरल एंट्रीज आपको लिखनी पड़ेगी, थोड़ा फिलिंग द ब्लैंक्स है, मैंने थोड़ा सॉल्व किया रफली, ये ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे हम लोग, और मैंने मतलब जो भी जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं वैसे पूरा लिखा हुआ है नरेशंस के साथ। ठीक है, पहला आता है, मैंने पहला हम लोग क्या रहता है, हम लोग क्या क्या देखते हैं, इसमें हम लोग के पास कुछ स्टेप्स थे अगर आपको याद होंगे तो, जब हम लोग ये लेसन का थ्योरी किया था, चीज़ों थ्योरी वाला जो पार्ट था उसका मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूँगी। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग के पास ऑर्डर ऑफ एंट्रीज है, पहले हम लोग देखते कि हम लोग के पास कोई असेट है वो सेल हुआ है कि नहीं हुआ है। कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर्स इंटू फुल्ली पेड अप, पहले तो हम लोग के पास इधर असेट सेल हुआ है, तो ये ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो जाता है, तो फिर पहले मैं असेट सेल कर लूँ। सो हियर यू कैन सी असेट सेल कर रही हूँ मैं,
तो बैंक अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू इन्वेस्टमेंट बैंक अकाउंट में हमें कितना बोला है, मार्केट प्राइस पे सेल हुआ है तो 1,90,000 यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब इन्वेस्टमेंट हमारा है कितने का, 1,50,000 का, और यहाँ पे मेरे को प्रॉफिट हुआ है 40,000 का, राइट। तो यहाँ पे बिंग इन्वेस्टमेंट सोल एट प्रॉफिट। सेकेंड, अब इसका हम लोग क्या बोला है, यहाँ पे अगर आप यहाँ पे देखते हो तो कन्वर्ट पार्टली पेड अप शेयर्स इंटू फुल्ली पेड अप शेयर्स, ये चीज़ हम लोग को है ही नहीं। थर्ड है फ्रेश इशू, हाँ फ्रेश इशू हम लोग ने किया है, यहाँ पे है फ्रेश इशू हम लोग का, ठीक है। और जो एंट्रीज का जो बोले डेबिट एंड क्रेडिट वाला जो पार्ट है वो सेम होता है मोस्टली, जस्ट आपका अमाउंट चेंज होता रहता है। सो हम लोग क्या करेंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, बिकॉज बैंक हम लोग फ्रेश इशू करे पैसे आ रहे 48,000, ठीक है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना था, 40,000 का है, उसके ऊपर मैंने सिक्योरिटी प्रीमियम ये किया है 8,000 का। तो नरेशन में क्या आएगा, बिंग फ्रेश इशू ऑफ इक्विटी शेयर इज मेड एट अ प्रीमियम ऑफ ₹2 ईच। अब सिक्योरिटी प्रीमियम हो गया, फ्रेश इशू हो चुका है। अब नेक्स्ट क्या है मेरे पास, क्रिएट CRR। CRR हमारा कहाँ से क्रिएट होता है, ठीक है। मैंने यहाँ पे फ्रेश इशू किया 40,000 का, कभी भी हम लोग जो फ्रेश इशू का जो अमाउंट होता है वही यूज़ करते, अमाउंट रिसीव यूज़ नहीं करते। तो मैंने यहाँ पे प्रोसीड ऑफ फ्रेश इशू में यहाँ पे 40,000 लिखा, 2 लाख माइनस 40,000 करो तो आपको मिलेगा 1,60,000। तो ये आपका कहाँ से आता है, 1,60,000 ये आपको आया है आपके प्रॉफिट एंड लॉस में से, प्रॉफिट एंड लॉस में से। और इसको आप क्या करोगे, ये 1,60,000 का आप CRR क्रिएट करोगे। तो यहाँ पे वही, तो हम लोग क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू CRR, दैट इज़ योर कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, 1,60,000। नरेशन आपका आ जाएगा बिंग CRR क्रिएटेड। फोर्थ होता है, अब आपने CRR क्रिएट कर दिया, अब क्या बोला है, प्रीमियम ऑन रिडम, पहले तो आता है रिडम्पशन ड्यू। तो रिडम्पशन ड्यू कैसे होगा, रिडम्पशन आपने जो यहाँ पे किया है 2 लाख रुपीज़ का, ये जो है ये पूरा ही रहेगा। 8% रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स डेबिट 2 लाख, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन 10,000 टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर अकाउंट 2,10,000, बीइंग रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर ड्यू, ठीक है। इसके बाद प्रीमियम ऑन रिडम्पशन रिटर्न ऑफ हो जाएगा, ये जो 10,000 वाला है यहाँ पे डेबिट है, यहाँ पे क्रेडिट में आ जाएगा, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा आपका। अब पहली बार बताओ, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट आपको डेबिट क्यों हो रहा है, आप यहाँ पे भी आप देखो CRR क्रिएट हुआ, मतलब आपकी लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है। तो लाइबिलिटी इंक्रीज हुई है तो मतलब हमेशा लाइबिलिटी को कौन सा बैलेंस होता है, क्रेडिट बैलेंस होता है। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन आपका प्रीमियम आपको मिल रहा है तो आपका क्या प्रॉफिट टाइप है, ठीक है। तो ये भी आप क्रेडिट बैलेंस में जाएगा, इसलिए यहाँ पर मैंने क्रेडिट बैलेंस लिखा है, ठीक है। सिक्स्थ आता है, अब आपने ये कर दिया, अब आपको क्या करना है, हम लोग ने ये कर दिया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन, ये हो गया। पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, बोनस ड्यू एंड डिक्लेयर बोनस हम लोगों ने दिया हुआ है, लास्ट है पेमेंट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। तो यहाँ पे अभी हम लोग पेमेंट करेंगे, अभी कैसे करेंगे, आपको अमाउंट नहीं समझ में आया होगा। तो हम लोग क्या बोला गया था, हम लोग को बोला था हमारे पास कितना है, 2,000 का है, 2,000 हमारे पास प्रेफरेंस शेयर्स थे, जिसमें से कितने चले गए, 100 शेयर होल्डर्स ट्रेस नहीं कर पाए हम, तो हमारे पास 1,900 बचा। तो यहाँ पे जो हम लोग का ये 1,900, इस पर हम लोग क्या करेंगे, इस पर हम लोग प्रीमियम चार्ज ही था कितना, टू, पहले तो हम लोग इसको कर लेते इन 200, टोटल अमाउंट आ गया। इस पर हम लोग अब क्या करेंगे, ऐड 2% जो अब प्रीमियम था, तो ये हमारा कितना हो गया, 1,93,800। नॉर्मली जो हम मैंने आपको बताया ये एक पार्ट होता है जैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, बट हम लोग का ये क्वेश्चन इससे नहीं आने वाला है। हम लोग को इसमें क्या करना है आपको बताती हूँ मैं, टोटल हमारा कितना है, अगर आप ऐड करते हो तो आपका टोटल अमाउंट बनता है 2,10,000 का, राइट। अभी इसका फेस वैल्यू कितना है, 100, तो मैं 100 से डिवाइड करती हूँ, मेरे को नंबर ऑफ़ शेयर्स मिल गए 2,100 नंबर ऑफ़ शेयर्स है, ठीक है। मैं माइनस 100 कर दूंगी जो मेरे मिसिंग आइटम्स है, मतलब मिसिंग जो शेयर्स मिस है, तो 2,000 मेरे पास बचा है। अभी 2,000 के ऊपर मेरे को पेमेंट करने का है, बट मैं किस हिसाब से करूंगी, ये मेरे 2,000 शेयर्स है जिनको मेरे को पे करने का है, ठीक है। अब मेरे को वो 2% प्रीमियम लेने का है, तो मैं इनको कितना ऐड करूंगी, प्लस 12%,
ओके हाँ, अगर आप देखोगे मैं 2 ले रही थी, 2 प्रीमियम किसका, इक्विटी शेयर्स का है। हम लोग को प्रेफरेंस शेयर्स का चाहिए, तो प्रेफरेंस शेयर्स का प्रीमियम हम लोग को 5 दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, माइनस बाय, या फिर हम इसको, अगर आप यहाँ पे देखो मैं आपको नॉर्मली सॉल्व करके बताती हूँ, हमारे पास कितना था, 2,10,000, इसको मैंने डिवाइड बाय 100 किया, ठीक है, तो मेरे को मिला 2,00, राइट, 2,00 कैंसिल हो गया, इसमें से 100 हमारे पास मिसिंग, तो मेरे पास कितना बचा, 2,000। अब 2,000 में से मैं क्या कर दूँगी, मेरा फेस वैल्यू कितना है, 10 है, 10 पे मैं प्रीमियम चार्ज करी, 15 हो गया, सो यहाँ पे मेरा हो गया 2,000। अब मैं इसको 2,000 का इसका फेस वैल्यू वापस ले दूँ, तो ये हो गया मेरा 2,00,000 रुपीज़। अभी 2,00,000 है मेरे पास, इसमें से हम लोग कितना, 5, ये जो हमारा 100 जो मिसिंग था, ये जो 100 फिगर मिसिंग है, इसको हम लोग इंटू 5 जो हमारा प्रीमियम का अमाउंट था, मतलब हम लोग को इनसे प्रीमियम भी लेंगे, तो 5 से टोटल कितना होता है, 500 लेस कर दो, आपको मिलेगा 1,99,500। तो ये अमाउंट आपको पे करना है, क्योंकि आपका 500 भी यहाँ पे बच गया इनको पे करने से, आप क्योंकि ये मिसिंग है, 100 मिसिंग है, और उसके ऊपर हम लोग को 5% था, तो ये आपको 1,99,500 यहाँ पे करना है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को। ओके, ये आपका कौन सा पार्ट हुआ, ये आपका बींग अकाउंट सेटल्ड हो गया आपका अकाउंट। नाम आपके पास आता है बैलेंस शीट का, बैलेंस शीट हम लोग यहाँ पे सॉल्व किया, अगर आप देखोगे तो फर्स्ट पार्ट आता है इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ का, सेकेंड इज शेयर होल्डर्स फंड। ये आप नॉर्मली एक बार देख लो, इसको जो डीप एक्सप्लेनेशन है हम लोग इसको नेक्स्ट वीडियो में एकदम अच्छे से करेंगे, ठीक है, दूसरे सम के साथ। और यहाँ पे हमारा नोट्स टू अकाउंट है, मैंने रफली नोट्स टू अकाउंट बनाया, आप देख सकते हो।